देखिए हजरात, कुछ शायर ऐसे होते हैं जिनको दो लोग सुनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 10 लोग सुनना चाहते हैं, 20 लोग सुनना चाहते हैं, बहुत मकबूल शायर है तो उसको 50 लोग सुनना चाहते हैं। मगर एक शायर हमारी फेहरिस्त में ऐसा है जिसको, अरे कहाँ गए भाई, मेरी निगाहें भी कमज़ोर कहाँ हुई हैं। मैं उंगली के अपने उस शायर को सब सुनना चाहते हैं, ख़ास तौर से उंगली सुनना चाहते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब महबूब आलम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। हर दिल अजीज शायर और पूरी दुनिया के मोमिनीन इनको सुनना चाह रहे हैं, और जब ये पढ़ते हैं तो ये शायद गालिब ने एक शेर कहा था कि बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई। एक नारे सलवात से इस्तकबाल करें। मुलाजा चाहते हैं, आज के 25 साल पहले मैंने एक मिसरा कहा था, दो बोल, और जंजीर का फ़ायदा क्या है जो मैंने पहले कहा था। लिहाजा हमें ज़्यादा महफिलों में मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो ये अपने मिसरों को मैंने अपने छुपा के रखा दिल में, मैंने कहीं पढ़ा नहीं। बल्कि आज सद्दाम की बात हो रही थी, उसी पे मैंने भी मिसरा 25 साल पहले कहे थे। आज आप लोग दो मिसरे मुलाजा चाहिए, उसके बाद आपकी फरमाइशी जो होंगी वो आपकी। मुलाजा चाहते हैं, देखिए शायद नए अंदाज में और नए फिक्र में मैंने जो ये कहा था 25 साल पहले, वाकई जो मैंने दिल से कहा था वाकई सद्दाम को फांसी लग गई। आप मुलाजा चाहते हैं, एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दो मिसरे मुलाजा चाहते हैं, सिमर की तरह सद्दाम भी मिट जाएगा, सिमर के तरह सद्दाम भी मिट जाएगा, मिट जाएगा। और ये सदा आती है जंजीरों के झनकारों। ये सदा आती है जंजीरों के झनकारों से, ये सदा आती है जंजीरों के झनकारों। एक सवाल भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मिनट, एक मिनट पढ़ूंगा, एक मिनट सुन लीजिए आप लोग। अरे भाई मेरी भी सुन लीजिए आप लोग। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। हाँ, गुनाहों से मुझको बचा मेरे मौला। सुनिए हजरात, बिल्कुल नया कलाम सुनाने जाऊँ बुला देते हैं आप लोग। गुनाहों से मुझको बचा मेरे मौला, अरे मुझे भी ये महफिल पढ़ाओ मेरे मौला। गुनाहों से मुझको बचा मेरे मौला। अब यहाँ से सिरज करता हूँ, मुलाजा चाहते हैं कि बहुत पढ़ लिए शेर गैरों हमने, बहुत पढ़ ली जाहिद भाई, बहुत पढ़ लिए शेर गैरों के हमने, मुझे शायरी अब सिखा मेरे मां। मुलाजा चाहते, देखिएगा हजरात, मुलाजा चाहते हैं कि वहां सुनिए, वहां जा के मारू
کے بلا میرے مولا. بالکل بالکل نا کلام. ایک دیکھیے فرمائش ہوئی ہے, چار بند پڑھ دیں امام حسین سلام کے سامنے, اس کے بعد آپ کی صاحب صرف چار پانچ بند بخش کے بعد فرمائش ہوئی ہے کہ اس کو آپ ضرور پڑھ دیجیے گا. سنیے حضرات, کچھ نئے کلام, کچھ نئے مصرے ہیں, کچھ ہمارے نئے مصرے گھوسے. اچھا وہ پڑھ دیں گے. نہیں نہیں وہ نہیں نہیں بس. ارے بھائی میرے, اچھا ہاں پڑھ رہے ہیں, ایک منٹ پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں ایک منٹ, ایک منٹ. دل خزانہ, ہاں نہیں بھائی انگلی والا نہ پڑھ رہی, انگلی سے نبی نے کھانا چکھوایا, انگلی سے ابو طالب نے کس کے ڈانٹا, انگلی سے